हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन है, धूप निकली है और श्रेया भी तैयार हो गई है, और मैं डेली ब्लॉग बनाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, डेली ब्लॉग बनाने की। और आप लोग बस प्यार बनाए रहिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये लव मैरिड कपल जो हैं और जो जिन्होंने लव मैरिज कर रखी, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आजकल के जो ब्लॉग है ये कपल से रिलेटेड बन रहे हैं, और पहले जो बनते थे वो ट्रैवल से रिलेटेड बनते थे। ट्रैवल वाले बनेंगे मगर थोड़ा सा वक्त आने पर, क्योंकि इतनी गर्मी में ट्रैवल करना आसान नहीं हुआ है। चलो हम लोग कर लेंगे मगर ये लोग नहीं कर पाती हैं, इन लोग को ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत ही ज़्यादा धूप हो रहा है भाई, कि बाहर निकलने से पूरी स्किन ऐसे जल जा रही है, तो इसकी वजह से हिम्मत नहीं हो रही। तो हम लोगों ने सोचा चलो तब तक घर का ही ब्लॉग बनाते हैं, मतलब तब तक आप हम लोग से जुड़े ही रहिए और हम लोग भी आपसे जुड़े ही रहें, इसी वजह से घर का ब्लॉग बना रहे हैं। बने रहिए आज के ब्लॉग में, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाएंगे भी, जो चीज़ डेली की लाइफ है वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी मैं हलवा बना रही हूँ सूजी का, तो अभी मैं किचन में हूँ। भाभी को पता नहीं कि मैं बना रही हूँ, ना मम्मी को पता है, तो सरप्राइज देते देखे मम्मी और भाभी क्या कहेंगी हलवा जब मैं ले जाऊँगी। तो ये देखे मम्मी है, हाय बोलो मैं। हाय बिट्टू। तो अभी देखते हैं, मेरे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इसलिए अब 1 जुलाई से स्कूल खुलेगा। तो अभी मैं घर पे ही हूँ, तो इतनी धूप होती तो सारे स्कूल बंद हैं। समझ में नहीं आता कि मेन चीज़ घर पे कोई है भी नहीं, तो इसी वजह से अच्छा भी नहीं लगता कि वीडियो में क्या बनाए रोज़ रोज़ वही चीज़ें। मगर मैं कोशिश कर रही हूँ, कि मुझे उतनी सफाई से और उतना अच्छे से वीडियो बनाने आता तो नहीं है, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ। ये मुझे रोज़ अपडेट करते रहते हैं कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ। आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करिए। बिना आपके सपोर्ट के शायद मेरी हिम्मत ना बन पाए भाई। आपके सपोर्ट की वजह से मेरी हिम्मत बनी रहेगी तो मैं वीडियो बना सकती हूँ। गोलगप्पे यार तुमने बहुत बढ़िया है। पैसे वाला आदमी है यार, टिकट के पैसे ले, बुक करवा एजेंट। तो गाइस गर्मी में देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और इसीलिए हम लोग कभी बहुत दिनों बाद निकले हैं ऑन रोड पे गर्मी में, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो फेस जो है पूरा जल जाता था। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। तो ये अंकल जी आम तोड़ रहे हैं, अभी सवाल जा रहा था आम मांगने, कितने सारे आम पड़े हैं, सब कच्चे हैं। तो बस देख सकते हो गाइस कितने आम लगे हैं, गाइस काफ़ी ज़्यादा आम पड़े हैं, देख सकते हो नीचे, ये इतने बड़े बड़े आम हैं भाई। चलो पकाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा, देख बड़ा कितना आम है सब, इधर देखो। तो ये आम का बगीचा था, आम तोड़े जा रहे हैं, आम अभी कच्चे हैं तो इनको अभी कारपेट में लगा के पकाए जाएंगे। तबाद ने एक ले लिया है, अबे छाया में आओ, छाया में खड़े हो के पीछे आम देखिए, आप आपको मैं दिखाते हैं, देखिए कितने सारे आम लगे हैं, लेकिन अभी सारे कच्चे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखिएगा इस कितने बड़े बड़े आम हैं, और अभी तोड़ते हैं, अच्छे आम हैं, खाते हैं, टेस्ट करते हैं, क्योंकि इस समय बाज़ार में आम वगैरह बहुत आ गए हैं और अंबिया काफ़ी दिन बाद सोचा खाने के लिए, तो अभी देखते हैं क्या टेस्ट है। चाकू नहीं है तो चाबी से काम, चाकू नहीं गाया तो चाबी से ही आम काट रहे हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी कहाँ चल रहे थे सब आदम लोग? अभी हम लोग एक अच्छी सी जगह चल रहे हैं, वहाँ जा कर आपको दिखाएंगे क्या चीज़ है, और आज इंजॉय करेंगे। ये आम है गाइस, आम ऊपर से अच्छा था मगर अंदर से खट्टा है, अभी पका हुआ नहीं है, खा के देखता हूँ कैसा टेस्ट है इसका। बस खट्टा ना हो, खट्टा ज़्यादा नहीं खट्टा, ये जो है वो ओरिजिनल चीज़ है, खट्टा नहीं है। तो हम लोग ने आम तोड़ लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और देख सकते हो संडे के दिन हम लोग घूमने के लिए निकलते हैं। तो अभी हम लोग ने रिसेंटली मैं बाल कटाने जा रहा था, तो तब तक सबाज आ गया, तो मैंने कहा चलो चलते हैं कहीं। तो अभी गाइस कोल्ड ड्रिंक ले ली है और चल रहे हैं घर की तरफ। तो अभी हम लोग यही चौराहे पर हैं, खैराबाद चौराहा। तो गाइस दाढ़ी वाड़ी कटवा ली है, बाल भी कटवा लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो अभी चल रहे हैं घर की तरफ। A few moments later. So guys, बाल वाल कटवा लिए थे तो काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे, दोपहर के 2-3 बजे घर पे मैं आया था, और जैसे कि बता दिया था मैंने कि मैं घर भी गया, वो गांव भी गया था, तो गांव में थोड़ा सा टहला भी, घूमा भी, थोड़ा सा इंजॉय भी करा, उसके बाद घर पर आके सो गया, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो आज ज़्यादा बड़ा व्लॉग तो नहीं बना पाया, मगर जितना भी कवर करा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, एंड आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। एंड अगर जो आप लोग
आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कहीं मत जाइए, एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और आज का जो ब्लॉग था वो श्रेया ने कोशिश करी थी बनाने के लिए, मैं उसको डेली फोर्स करता हूँ कि ब्लॉग बनाया करो, ब्लॉग बनाने की कोशिश करो ताकि लोग तुम्हें जाने, तो वो भी कोशिश करती है। हर कुछ लोग होते हैं उनको कैमरे के सामने बोलना नहीं आता है, मगर मैं उसकी आदत डाल रहा हूँ कि कैमरे के सामने बोला करो। कुछ लोग होते हैं जैसे ही कैमरा ऑन करो तो उनको बोलना ही नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता वो क्या बोलें, उनके पास वर्ड्स नहीं रहते, जवाब नहीं रहते, उनके पास बातें नहीं रहती करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी कला होती है, मैं उसको फोर्स करता हूँ, सिखा रहा हूँ कि तुम भी कोशिश करो ताकि इरिटेशन ना हो, ताकि आगे बोलने में कोई दिक्कत ना हो। तो कोशिश करती है वो भी, और मेरे उम्मीद से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा करती है। मगर आप लोग बताइएगा कि कमेंट करिएगा कि श्रेया ने ब्लॉगिंग जो कर रही है वो कैसी कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।